गुड मॉर्निंग माई डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास. नाउ गेट रेडी फॉर प्रेयर. Children, take out your books. Lesson number 12, page number 74, Karna's Generosity. Children, today we will take up lesson number 12 of our reader book, Karna's Generosity. कौन सा lesson पढ़ेंगे? Lesson number 12, Karna's Generosity, given on पेज नंबर 74. दिस इज योर लेसन नंबर 12 गिवन ऑन पेज 74, कर्णास जेनरोसिटी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी चिल्ड्रन, हैव यू एवर गिवन फूड टू अ पुअर और क्राइंग चाइल्ड? कभी आपने किसी गरीब बच्चे को या किसी रोते हुए बच्चे को खाना दिया है? कुछ खाने के लिए दिया है? हैव यू एवर गिवन? ओके, यस, ओके, गुड, अच्छी बात है. Have you ever helped a poor man or an old man by the side of the road? कभी आपने रोड साइड पे किसी पुअर को या फिर किसी ओल्ड को आपने देखा और उसकी कभी हेल्प की है रोड क्रॉस करने में या किसी और चीज में किसी तरह से हेल्प की है? ओके, अच्छी बात है. यस, यू हैव डन, गुड. तो इसको क्या बोलते हैं? जेनरोसिटी. क्या बोलते हैं? जेनरोसिटी, कि हमने किसी की हेल्प की, उदारता, उदार. तो हम किसकी स्टोरी पढ़ेंगे आज? करना की स्टोरी पढ़ेंगे, जो कि उदार है, बहुत बड़ा दिल है जिसका, किसी के लिए भी हेल्प करने के लिए हमेशा वो रेडी रहता है, हमेशा तैयार रहता है. ऐसे एक शख्स की हम, ऐसे एक इंसान की हम स्टोरी पढ़ेंगे जो है करना. ही वॉज अ किंग. वैसे तो आपने राजा महाराजाओं की, राजाओं की बहुत स्टोरी सुनी होंगी, तो ये भी एक राजा की ही स्टोरी है जिसमें कि किंग का नाम क्या है? करण. ठीक है, करना. चिल्ड्रन, बिफोर रीडिंग द चैप्टर वी मस्ट लर्न न्यू वर्ड्स. दीज आर द न्यू वर्ड्स. नंबर वन, गिल्ट. GUILT. गिल्ट. गिल्ट मीन्स फीलिंग ऑफ हैविंग डन समथिंग रॉन्ग. हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे मन में ऐसी फीलिंग आती है ना कि हमने कुछ गलत किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? गिल्ट. नंबर टू, डिसगाइज्ड. DISGUISED. डिसगाइज्ड. डिसगाइज्ड मीन्स चेंज्ड अपीयरेंस. हमारी जो लुक है जब वो चेंज हो जाती है, दैट इज डिसगाइज्ड. नंबर थ्री, प्लीडेड. PLEADED. Pleaded. Pleaded means requested. किसी को request करना. ठीक है. Number 4, valuable. 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 Valuable means of high price. किसी की ज्यादा कीमत होती है, price ज्यादा होती है, that is called valuable, कीमती. Number 5, appreciated. APPRECIATED.
APPRED. Appreciated means highly regarded. किसी की बहुत प्रशंसा करना, बहुत ज्यादा किसी को प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएटेड. नाउ यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज न्यू वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक्स. नाउ यू हैव टू रीड आफ्टर मी, यू हैव टू फॉलो मी. लॉर्ड कृष्णा वॉज वंस praising the kindness and generosity of Karna, son of Kunti. Lord Krishna जो हैं एक बार praise कर रहे थे, किसकी praise कर रहे थे? Karna की. Karna जो कि Kunti के बेटे हैं, उनकी praise कर रहे थे. क्या praise कर रहे थे? उनकी kindness की, उनकी generosity की. काइंडनेस क्या होता है बेटा? हम किसी के प्रति दया भाव रखते हैं अपने मन में, तो उसको हम बोलते हैं काइंडनेस. हमारे मन में दया होती है किसी के लिए, दैट इज़ कॉल्ड काइंडनेस. एंड जेनरोसिटी मीन्स हम किसी के लिए उदार होते हैं, उदार हृदय, किसी की हेल्प करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेनरोसिटी. अर्जुन हु वॉज प्रेजेंट देयर बिकेम अपसेट. अर्जुना जो थे वहाँ पे प्रेजेंट थे उस समय, वो अपसेट हो गए, थोड़े परेशान हो गए. ही सेड आर एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिरा इज ऑल्सो काइंड एंड जेनरस, देन वाई डू यू प्रेज ओनली कर्णा. उन्होंने कहा, किसने कहा? अर्जुना ने. उन्होंने कहा कि हमारे सबसे बड़े जो ब्रदर हैं युधिष्ठिर जो हैं, वो भी तो काइंड हैं और जेनरस हैं, उदार भी हैं, दयावान भी हैं, तो फिर सिर्फ करना की ही प्रेज क्यों? लॉर्ड कृष्णा स्माइल्ड एंड नॉडेड हिज हेड. लॉर्ड कृष्णा जो थे, भगवान कृष्णा, उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने अपना हेड नॉड किया. नॉड ऐसे करते हैं अपसाइड डाउन, जो है अप एंड डाउन, अपने हेड को मूव करना. उन्होंने स्माइल करके नॉड किया. यू विल नो द रीज़न वेरी सून, ही रिप्लाइड. उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत जल्दी ही इसका कारण पता चल जाएगा. अ फ्यू डेज लेटर कृष्णा आस्ड अर्जुना टू अकम्पनी हिम. कुछ दिनों के बाद कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मुझे कंपनी दो. दे डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज मॉन्क्स एंड रीच्ड द पैलेस ऑफ युधिष्ठिरा एंड सेड टू हिम, वी नीड सम ड्राई सैंडलवुड राइट नाउ. Can you please arrange it for us? तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने, अर्जुना ने और लॉर्ड कृष्णा ने अपने आप को मॉन्क के वेश में, साधु के वेश में अपने आप को चेंज किया और वो साधु का रूप धर के युधिष्ठिरा के पैलेस में आ गए, महल में आ गए. और उन्होंने वहाँ जाके युधिष्ठिरा से क्या कहा कि हमें ड्राई सैंडलवुड चाहिए. ड्राई मीन्स सूखी हुई. सैंडलवुड क्या होती है? चंदन की लकड़ी. सूखी हुई चंदन की लकड़ी चाहिए, अभी चाहिए. क्या तुम हमारे लिए ये अरेंज कर सकते हो? इट वॉज रेनिंग हार्ड दैट डे. उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी. युधिष्ठिरा सेंट हिज सर्वेंट्स to get dry sandalwood, however they returned empty handed. Yudhishthira ने अपने servants को सूखी sandalwood, चंदन की लकड़ी लेने के लिए भेजा, लेकिन क्या हुआ, वो सब खाली हाथ ही वापस आ गए. I am so sorry because of the rains, wood is not available
टुडे। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, आज बरसात की वजह से कहीं पे भी सूखी हुई लकड़ी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। प्लीज टेक समथिंग एल्स, युधिष्ठिरा प्लीडेड। युधिष्ठिरा ने प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना। युधिष्ठिरा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ और ले लीजिए, क्योंकि आज बारिश की वजह से, बरसात की वजह से कहीं पे भी सूखी हुई लकड़ी नहीं है। लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना लेफ्ट द पैलेस एंड रीच्ड कर्णास पैलेस। अब लॉर्ड कृष्णा जो थे वो और अर्जुन युधिष्ठिर के पैलेस से निकलकर कर्ण के पैलेस में गए, कर्णा के पैलेस में, उसके महल में गए। ही वेलकम्ड देम वार्म हार्टेडली एंड आस्क्ड हाउ कैन आई हेल्प यू। कर्णा ने क्या किया, उनका बहुत अच्छे से गर्मजोशी से स्वागत किया, मतलब बहुत अच्छी तरह से उनका वेलकम किया और कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लॉर्ड कृष्णा इन द गाइज ऑफ अ मॉन्क रिप्लाइड, वी नीड सम ड्राई सैंडलवुड इमीडिएटली। लॉर्ड कृष्णा जो कि साधु का वेश धर के आए हुए थे, उन्होंने अपनी पहचान जो है वो छुपा रखी थी, उन्होंने कहा कि हमें सूखी हुई चंदन की लकड़ी अभी चाहिए। कर्ण ऑफर्ड देम सीट एंड टुक आउट हिज बो एंड एरो। कर्णा ने क्या किया, अपना उनको बैठने के लिए स्थान दिया, जगह दी, सीट दी और अपना धनुष और बाण निकाल लिया। ही टारगेटेड हिज एरोज ऑन वुडन डोर्स चेयर्स बेड एंड ब्रोक देम ऑल। उसने क्या किया, अपने एरो से, अपने जो उसके तीर थे उनसे वुडन डोर्स जो थे लकड़ी के दरवाजे, चेयर्स बेड, उन सब पे निशाना लगाया अपने तीर से और उन सबको तोड़ दिया। जितना भी उसका फर्नीचर था लकड़ी का जो भी था सब तोड़ दिया। दे वर ऑल मेड ऑफ सैंडलवुड, वो सब चंदन की लकड़ी के बने हुए थे। ही गेव द वुड टू द मॉन्क्स। उन्होंने क्या किया, कर्णा ने वो जो लकड़ी थी वो उन साधुओं को दे दी। वो साधु कौन से थे, कौन साधु थे, कर्णा एंड सॉरी अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा जो साधु के रूप में आए थे, उनको वो सैंडलवुड दे दी। लॉर्ड कृष्णा आस्क्ड, यू ब्रोक सच वैल्यूएबल थिंग्स फॉर ड्राई सैंडलवुड। लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि तुमने इतनी कीमती जो चीज़ थी वो तोड़ दी एक ड्राई सैंडलवुड के लिए, सूखी हुई चंदन की लकड़ी के लिए। कर्णा रिप्लाइड, इट्स रेनिंग हैवीली टुडे, गेटिंग ड्राई सैंडलवुड फ्रॉम आउटसाइड वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। कर्णा ने क्या रिप्लाई किया, कर्णा ने क्या कहा कि बाहर बहुत तेज़ बरसात हो रही है और घर के बाहर बाहर जा कर के सूखी हुई चंदन की लकड़ी लेना इम्पॉसिबल है, असंभव है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकती। सो आई ब्रोक डाउन दीज थिंग्स, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें तोड़ दी हैं। दीज थिंग्स कैन बी मेड अगेन, तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें तो फिर भी बन सकती हैं, बट कैन नेवर लिव विद द गिल्ट दैट आई कुड नॉट हेल्प यू। लेकिन मैं इस अपने मन में जो है ये बात रख के, ये गिल्ट रख के, गिल्ट मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ पे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है, अपने आप में ग्लानी, आत्मग्लानी बोलते हैं ना जिसको, कि अपने आप में हमें लगता है कि हमने ये काम गलत किया,
तो वो कहता है ये जो फीलिंग होती है कि मैंने कुछ गलती की है, इस फीलिंग को, ये रियलाइजेशन जो होता है, इसको गिल्ट बोलते हैं। कहता है कि इस गिल्ट के साथ मैं, मेरा जीना जीना मुश्किल है, कि मैं जी नहीं सकता कि मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं की। लॉर्ड कृष्णा स्माइल्ड एंड लुक्ड एट अर्जुना एंड आस्क्ड हिम, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई अप्रिशिएटेड कर्णा सो मच। तो उन्होंने, लॉर्ड कृष्णा ने स्माइल किया और अर्जुन की तरफ देखा और क्या कहा कि अब तुम ही समझ गए होंगे कि मैंने करण को इतना अप्रिशिएट क्यों किया, करण की इतनी तारीफ क्यों की, प्रशंसा क्यों की। अर्जुना वॉज स्पीचलेस, अर्जुना जो था उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे कुछ कहने के लिए, वो चुप रहे। चिल्ड्रन यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स गिवन इन दिस चैप्टर। बाय बाय।